अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और आज मैं बनाने लगी हूँ पोहा काफ़ी दिनों के बाद। और पीनट्स को मैंने कर लिया है फ्राई, और काफ़ी दिनों बाद कोई अलग अलग चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और नाश्ते में भी कुछ वैरायटी चेंज होनी चाहिए, कि आज हमने पराठे बना लिए हैं, ब्रेड टोस्ट खा लिए हैं, और आज फिर हमने बना लिया पोहा। ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्राउन राइस का मैंने ये पोहा बनाया था, और मेरे मामा के बेटे की शादी थी जो कि काफ़ी दिन पहले हो चुकी है, उसकी वीडियो भी मैंने शूट करके रखी है, इंशाल्लाह शेयर करूँगी। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि मेरी वीडियोस काफ़ी पीछे हो गई हैं, मैं डेली व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, तो इसलिए काफ़ी सारी वीडियो मेरे पास रखी हुई हैं जो कि मैंने अभी अपलोड नहीं की हैं। और ये छोटे छोटे से मैं नेल पेंट लेकर आई थी, बहुत कम नेल पेंट मेरे पास हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा कलर लगा था इन नेल पेंट का, और दो रबर बैंड में लेकर आई थी। जैसे कि शादी वगैरह में कोई भी हेयर स्टाइल या बन वगैरह हमें बनाना हो, वैसे मेरे बालों में बन नहीं बना पाती हूँ मैं, हैवी बाल होने की वजह से बन नहीं बना पाती हूँ। बट कोई भी हेयर स्टाइल अगर आपको करना है तो ये रबर बैंड और क्लचर वगैरह तो आपको चाहिए ही, और ये क्लचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये मैंने लिया था मॉल से। और ये दो मैंने ब्रश लिए हैं, पाउडर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, किसी तरह से भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मेरे मेकअप में ये ब्रशेज नहीं थे, और ये हुडा ब्यूटी का है, और दूसरा वाला अदर किसी कंपनी का। और ये छोटा वाला मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ब्रश, और ये एक मैंने रिंग ली थी और काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी ये रिंग, बहुत ही ज़्यादा इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। छोटे छोटे से इसमें मिरर जो थे वो स्टिक किए गए थे, और इसमें मैंने गोल्डन कलर की भी एक मंगवाई है, और एक मैंने नेल पेंट रिमूवर भी लेकर आई थी, नेल पेंट आप लगाते हैं। और ये बैंगल ली थी मैंने एक सूट के मैचिंग की, जो कि मैंने नीचे रखा हुआ है, ये वाला सूट जो है मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट किया था, तो इसी के मैचिंग की मैं चूड़ी भी लेकर आई थी। और अभी मैंने ये वाला सूट स्टिच नहीं किया है, अगर स्टिच करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, बहुत प्यारा सूट है, और ये कलर मेरे पास नहीं था। और ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रह गई थी और मुझे ज़रूरत थी इनकी, तो मैं इनको लेकर आई थी, और बहुत ही अच्छी सभी चीज़ें मिली हैं मुझे, अफोर्डेबल प्राइस पे मिली हैं। और ये रिंग देखें, ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है पहनने के बाद, और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ट्राई की है, और ये एडजस्टेबल है यहाँ से, और उन्होंने कट करके दी थी भैया ने, तो जितना भी आपका साइज़ है फिंगर का उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिक्स कर सकते हैं अपनी फिंगर में, और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत प्यारी लगी मुझे ये रिंग। इंशाल्लाह गोल्डन भी स्निकिंग मंगवाई है मैंने, अगर मिलेगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। उसके बाद में मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जाना था, तो हम यहाँ आए थे, और काफ़ी अच्छा यहाँ का एरिया था, काफ़ी सुकून था, काफ़ी शांति थी यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी चारों तरफ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुके थे क्योंकि यहाँ पर ट्रेन आ रही थी। यहाँ से आते आते काफ़ी रात हो गई थी हमें, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी।
सीधा ही फिर मैंने नेक्स्ट डे का शूट किया था और मेरे हस्बैंड ने लाकर दी थी मुझे फ़िश, और इनको कर रही थी मैं अभी फ्राई, और सभी मसाले वगैरह मैंने निकाल कर बाहर रखे थे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने रखा था बाहर, और फ़िश को मैंने कई बार अच्छे से वॉश कर लिया था, विनेगर से भी मैंने वॉश कर लिया था, आटे से भी मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करने लगी थी। सबसे पहले मैंने डाला था इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, भुना कुटा धनिया और जीरा, और उसके बाद नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला था, थोड़े से चिली फ्लेक्स, बेसन, अरारोट और थोड़ा सा लेमन, और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके मैंने इसमें डाली थी, और थोड़ी सी डाली थी मैंने अजवाइन, जो कि मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ अजवाइन, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेस्ट भी होती है कोई चीज़ अगर हम इस तरह की बना रहे हैं ऑयली वाली, तो ज़रूर अजवाइन का यूज़ करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें डालने के बाद में मैंने लेमन लास्ट में डाला था और हल्का सा इसमें पानी डाल के, और फिर मैंने इसमें एक एग भी मैंने इसमें डाला था, जो कि चिकन फ्राई या फिर फिश फ्राई करने के लिए मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ एग का, बट मैं यहाँ पर शो नहीं कर पाई हूँ कि मैंने इसमें एक एग डाला था फेंट कर। और ये देखें यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है मैरिनेशन तैयार हो गया है, और इसको मैं कुछ देर के लिए साइड पर रख दूँगी ताकि ये मसाला इसमें अच्छे से कोड हो जाए और सभी मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। इसके बाद मैंने एक घंटा रखने के बाद मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ, और मैंने फुल फ्लेम की हुई है गैस की, और मैंने एक बार इसको फ्राई करके निकाल लिया था और दूसरी बार में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बनकर तैयार हुई थी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि अभी जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से आप फिश को इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी सीज़न में आप फिश खा सकते हैं, बट सर्दियों के मौसम में इसका मज़ा ही कुछ और है, और फिश फ्राई का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और फिश के सालन से भी अच्छा फिश करी से भी ज़्यादा टेस्टी जो है फिश फ्राई लगते हैं, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली उन्हीं की फरमाइश पे आज मैंने ये फ़िश फ्राई की है, और एक बैच मैंने निकाल लिया है, और काफ़ी सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर चुकी हूँ, तो ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ इसमें डालने की मुझे नीड नहीं थी। और ये देखें कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं ये, और चिली वगैरह भी सब मैंने इसमें ऐड अच्छे से की थी, तो ऊपर से मुझे कुछ भी डालने की इसमें नीड नहीं थी। हरी मिर्च की चटनी मैंने एक और बनाई थी इसके अलावा, अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ वैस, और मैं भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, कांटों की वजह से मुझे थोड़ी इसी खाने में दिक्कत होती है फिश को, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे से निकाल के देते हैं पीसीज वगैरह, तो मैं खा लेती हूँ, और मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया था कि हमारे यहाँ पर शादी है, तो मैंने इसलिए मेहंदी वगैरह लगाई थी और यहाँ पर मेहंदी लगा कर बैठी हुई थी, और ये देखिए एक हाथ पर ही मैं लगा पाई हूँ, और पैर पर भी मैंने लगाया था डिज़ाइन, और पैर पर अभी रह गई है थोड़ी सी मेहंदी लगाने के लिए, पैर के चारों साइड भी अभी मुझे लगानी थी मेहंदी, तो ये मैंने लगाई थी 5 मिनट वाली कोन से, और हाथ में मैंने हिना मेहंदी लगाई थी हरी वाली, और ये काफ़ी देर से सूखती है, और पैर वाली तो ड्राई हो चुकी है बट हाथ वाली बहुत देर से ये सूखी नहीं है, और सबसे पहले मैंने इसी को लगाया था। और अगर आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।